हाय फोक्स, लेट्स लेवल अप। सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम ऋषिकेश पहुंच गए थे, तो हम पहुंचे 2 बजे के अराउंड। फिर हमने आते ही होटल लिया, होटल में अपना सामान वगैरह रखा, फिर उसके बाद हमने थोड़ा आराम किया, फिर हम निकले 6 बजे। 6 बजे के बाद हमने थोड़ा भ्रमण किया और हमें सबसे पहले नसीब हुई गंगा आरती। तो गंगा आरती का मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। वहाँ इतनी ज़्यादा शांति की अनुभूति हो रही थी, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लोग अच्छे से भक्ति में लीन थे, साथ में वो आरती का जपन कर रहे थे, तो वही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब थी और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी, तो आरती सुन के तो मन काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया। आरती के बाद भी हम वहाँ पे बैठे रहे, तो हमने ऋषिकेश के मौसम को, वहाँ की शांति को काफ़ी अच्छे से महसूस किया। ओए होए, क्या व्यू है। वाह भाई, क्या व्यू है यार, कितनी शांति है यहाँ से। जो हवा चल रही है यहाँ से, बस अलग ही मतलब शांति की अनुभूति हो रही है यहाँ, और काफी मनमोहक सा लग रहा है यहाँ से। चाय टाइम भाई, गंगा किनारे नमस्कार और चाय का मजा ही अलग है। देखते हैं चाय कैसी रहती है। ठीक है, चाय अदरक डाल रखे, बढ़िया। थोड़ा बनमस का देखते हैं एक बार, ऐसे सब चाय एक बार लगा के। तो फिर हमने डिनर करने का सोचा अनाज मैस पे, क्योंकि वो भी वहाँ का एक फेमस प्लेस है साउथ इंडियन फूड के लिए। तो वहाँ पे हमने डोसा, इडली, उत्तपम और थोड़ी बहुत ड्रिंक्स वगैरह ली। तो हमें डोसा तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा। इडली थोड़ी मतलब ठीक ठाक ही थी, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी। वाटरमेलन जूस भी बिल्कुल ही ओके ओके था। तो वहां पे वैसे स्टाफ काफी कोऑपरेटिव था। वहां पे डोसा तो मुझे सही लगा, अगर डोसे के लिए आप जाना चाहो तो जा सकते हो। दोस्तों अभी यहाँ पे हो गए हैं रेडी, तो आज है day 2। ये कुछ हमने मतलब रूम लिया था कल, ये था कुछ रूम, आप एक बार देख सकते हो। अभी तो हमने इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा मैसी कर रखी है। तो भाई मैं भी हो गया हूँ रेडी और यहाँ पे लक्ष्य भी हो गया रेडी। तो लक्ष्य कैसा गया रहा day 1? day 1 तो बहुत अच्छा था। गंगा आरती, वो तो गंगा आरती भाई सुकून, वो तो बहुत ही अच्छी थी। हम आरती के बाद में लोग घाट पे बैठे रहे, चाय पी, बहुत मजा आया भाई वहाँ पे। तो आज देखते हैं, अभी हम वैसे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो क्या ही है भाई, 12 बज गए। हाँ, ब्रंच। तो लेट्स गो भाई, ये स्कूटी वगैरह लिए यहाँ से। फिर हमारा थोड़ा मतलब कैफे होपिंग का प्लान था, तो हम कैफे ढूंढते ढूंढते पहुंचे बी मॉन्क वेलनेस पे, और वहाँ पे मतलब थोड़ा सात्विक टाइप का भोजन था, बट वहाँ की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी, अंदर काफ़ी ज़्यादा शांति थी और बाहर का माहौल इतना ज़्यादा बढ़िया था। अगर उनकी बालकनी में जाके आप फोटो वगैरह क्लिक करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। और हमें वहाँ पे मिली एक वेलकम ड्रिंक, जो कि पीने में बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं थी। ये आप मेरे और लक्ष्य के एक्सप्रेशन को देख के समझ सकते हो। यार बी मॉन्क में आए थे, अभी यहाँ से आप एक बार देख सकते हो यार, व्यू क्या प्यारा व्यू आ रहा है। ओए होए, खाना वगैरह अभी ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा क्या है। तो वहाँ की ड्रिंक्स हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ की वैसे वाइब वगैरह कैसी लगी? काफ़ी अच्छी वाइब है, काफी अच्छी फोटोज आते हैं यहाँ पे। फोटोज के लिए भाई बेस्ट है। अभी तक हमने ये ड्रिंक पी है, तो ये कैसी क्या लगी? तो काफी अच्छी लगी, बस थोड़ा वो है कि आइस वगैरह नहीं है इन पे। हाँ, तो पूजा क्या रिव्यू है उनके जगह के बारे में? वाइब जगह तो अच्छी है, सिंपल है। अगली बार चलिए मटका ही ले जाएंगे। क्या कुछ रिव्यू है, वाइब वगैरह कैसी लगी पहले? तो बहुत अच्छी है, लाइक पीसफुल है। हाँ, यहाँ पे पूरी रिवर बाहर भी दिखा देता हूँ थोड़ा, तो ड्रिंक्स भी अच्छी है, टेस्ट है इसको, और थोड़ा स्टाफ भी कोऑपरेटिव है, मतलब स्टाफ इज वेलकम ड्रिंक आपको चाहिए। हाँ, वेलकम ड्रिंक भी ये रही आपके सामने, जो कि बची है। राधिका ड्रिंक, ये वेलकम ड्रिंक क्यों नहीं पी रहे? अच्छा। क्योंकि यहाँ पे लोग ही नहीं।
और यहाँ पे मतलब ज्यादातर सात्विक टाइप का भोजन है। हाँ यहाँ पे मतलब अंदर शूज अलाउड नहीं है तो इसलिए क्लीन भी है काफी, तो वो चीज भी बढ़िया है। अभी ये एक मैंगो वाली ड्रिंक है, मैंगो मिंट, तो ये एक बार पी के बताता हूँ। काफी सेफ और काफी बढ़िया ऑप्शन है, थोड़ा सा चिल्ड होता तो और ज्यादा बढ़िया लगता। अभी हमारा एक सैंडविच आ चुका है, वो आपको दिखाता हूँ। और भाई यहाँ इतने मस्त मस्त फोटो लिए, बस मजा ही आ गया। तो ये आया अपना सैंडविच। तो भाई पर्पल कलर की यहाँ पे सॉस है, केचप है, तो BTS वाले तो भाई काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। मतलब ये केचप या जो सॉस है जो, तो वो तो मेरे को इतनी बढ़िया लग रही, वैसे ठीक लग रहा है मतलब। पर वहाँ का जो भी भोजन था वो थोड़ा ठीक ठाक ही था, तो खाने के मामले में मुझे तो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हमें भाई थोड़ा स्पाइसी फूड टाइप का पसंद है। अगर आपको मतलब बिल्कुल ही हेल्दी वगैरह खाना है, बिल्कुल ही मतलब मसालों से दूर रहना है, तो आप वहाँ पे जरूर जा सकते हो। तो बी मोंग के खाने से तो हमारा मतलब मन शांत नहीं हुआ, उसके लिए हमें दादा की थाली वाली जगह पे जाना पड़ा। तो यार हम आए थे अभी दादा थाली पे, और वहाँ की थाली भाई काफी ज्यादा फुलफिलिंग थी, मतलब एक थाली को भाई दो बंदे भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैवी लंच किया वहाँ पे, तो भाई 200 रुपये की थाली में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी। तो वहाँ पे जो भी खाना था वो काफ़ी घर जैसा स्वाद था, तो आप वहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हो। तो यार यहाँ का खाना तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब घर जैसा खाना था, और अभी हम खा के उठे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाउ इज़ द फूड? बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइजीन नहीं था, बट वैसे जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, अंकल जी का नेचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और वहाँ पे भाई पहले बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह ने भी खाना खा रखा है। तो भाई अभी आ चुके हैं मैं, यस, और अपने बाकी साथी। तो यस अभी कहाँ जा रहे हैं फिर? हम जा रहे हैं जानकी झूला पे, हम लोग क्रॉस कर दिए और हम लोग आरती देखने जा रहे हैं यहाँ से, वहाँ का सीन आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं। तो जानकी सेतु के साइड वाली मार्केट पे आए हैं हम। जितनी शक्तियां सभी आ जाए, थोड़ी इधर आ जाए, थोड़ी इधर। तो फिर हमने प्रवेश किया परमार्थ निकेतन पे, यहाँ काफी अच्छी लाइटिंग थी और काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां भी थी। तो यार मतलब परमार्थ निकेतन के अंदर थोड़ी मूर्तियां वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे आराम से फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, तो उन सब के लिए काफी ज्यादा सही है। अभी तो मतलब शांति की अनुभूति भी हो रही है, वैसे लोग बाग भी काफी ज्यादा घूम रहे हैं, पर शांति की अनुभूति है फिर भी। अरे कहना क्या चाहते हो? और फिर हम डिनर के लिए पहुंचे यहाँ पे शिवानीज कैफे, हमने ऑर्डर किया यहाँ पे पिज्जा, और पिज्जा की बाइट मैं जैसे ही लेने ही वाला था, और जैसे ही मैंने पिज्जा की बाइट ली तो भाई वो खाते ही मुंह में सारे मसाले बिल्कुल भी नहीं घुले, क्योंकि वो इतना बढ़िया था ही नहीं। फिर मंगवाई हमने नाचोज की रंगोली, और यहाँ पे आ गई अपनी वेज बिरयानी। चाय टाइम, अब चाय का एक बार देखते टेस्ट। जो मसाले भाई, मसाला चाय मेरी लाइफ की तरह बिल्कुल ही मसालेदार है। तो यार अभी शिवानी कैफे से बाहर निकले हैं, तो लक्ष्य भाई शिवानी कैफे के फूड का क्या रिव्यू है? इतना अच्छा नहीं था। नाचोस तो मतलब वो चाट पापड़ थे। भाई वो पापड़ी चाट नाचोस की जगह मतलब घर से पापड़ी बना दी, तल के दे दी वो, उसकी शेक्स अच्छे जूस, हाँ जूस वगैरह, चाय भी मेरे को काफी बढ़िया लगी। हाँ ना, तो प्रीटी एवरेज ही है, एवरेज ही कुछ नहीं। वाटरमेलन बस अच्छा, प्राइसिंग ठीक है भाई, प्राइसिंग ठीक लगी। हाँ सही है, उससे हिसाब से तुम खा सकते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन मत रखते जाना, अच्छा खाना। हाँ मतलब रेटिंग जैसी दी हुई है तो उस हिसाब का तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई 4.8 ना, हम रेटिंग देंगे 3.7 मेरे हिसाब से। 3.7 में 3.5 दूंगी बस। ओह चाय की वजह से दे दी मैंने तो। शिवानी कैफे में हमने पिज्जा ट्राई किया था, हाँ। और नाचोस ट्राई किए थे, नाचोस मुझे अच्छे नहीं लगे बिल्कुल भी, पिज्जा एवरेज था। ड्रिंक्स पे मैंने वाटरमेलन जूस लिया था, वो मुझे अच्छा लगा था। तो और वो जगह कैसी लगी? जगह भी मैं एवरेज ही कहूंगी। वाइब वाज फ्रेंडली, इट वाज गुड, ड्रिंक्स बहुत अच्छी थी। और व्यू वगैरह कैसे आ रहा था वहां से? व्यू तो कुछ था ही नहीं सच। तो भाई मैं भी अपना बताऊं, मतलब तो पहली चीज़ तो मतलब वो जगह बहुत ही अंदर जाके थी, पता नहीं वो कैसे रही थी, वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा सा था,
वैसे फ्रेंडली माहौल था क्योंकि बहुत सारे लोग आराम से खेल रहे थे वहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे, पर वहाँ पे ऐसे गंगा व्यू या ये टाइप का कुछ नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, अंधेरा सा था, मतलब वो वाली चीज ऐसे लग रहा था छत पे गद्दे डाल के। पर ये अगर आप अपना ऑफिस का काम वगैरह कर रहे हो तो वहाँ जाके बैठ सकते हो, वो कुछ नहीं कहेंगे उस बारे में। हमने नाचोस ट्राई किए, मेरे को वो लगा था पहले कि डोरीटोज वाले जो आते हैं वो सब होंगे, पर वो तो बहुत ही बेकार थे, पापड़ी थी एक तरह से जो चाय के साथ डुबा के खाते हैं, वो तो बढ़िया नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद पिज्जा था, पिज्जा मतलब मेरे को ठीक लगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कहूँगा। और उसके बाद बिरयानी, वो फिर भी सबसे सही लगी। फिर उसके बाद मैंने तो चाय ली थी, मसाला चाय, वो तो बढ़िया थी। और फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए पहुँचे इराज किचन। ये लोकेशन अब तक की सबसे बेस्ट लोकेशन थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वाइब है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं जो देख के भाई मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ये आ गया यहाँ पे इनका मेन्यू, पर वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑर्डर आने में कम से कम भी आधा घंटा लगेगा। और मेन्यू भी कोई छोटा नहीं था, मेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। यहाँ का क्राउड और यहाँ का एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। इन्होंने पेड़ पौधों के बीच में ही अपना सेटअप बना रखा था और लोग एंजॉय कर रहे थे। ये आ गई अपनी चाय, यहाँ पे रोज लस्सी, ये है आलू प्याज पराठा, दिखने में तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। चाय का टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब शुगर मैंने एक्स्ट्रा अलग से ही डाला है, शुगर मतलब इसमें डाल के नहीं बनाते ऐसे, तो बढ़िया लगी काफ़ी। ये अपना आलू गोभी पराठा। तो भाई जैसे हमने आज ब्रेकफास्ट किया मतलब वहाँ पे इराज किचन पे, तो उसके बारे में क्या कुछ रिव्यू है? अच्छा था, लाइक उसका एम्बियंस अच्छा था, मतलब नेचुरल लाइट्स, पीसफुल एनवायरनमेंट, मतलब पेड़ पौधे उनके बीच में बना रखा था वो काफी। खाना भी अच्छा ही था, खाना बढ़िया था, अच्छा था। वहाँ पे हमने पराठे लिए थे, पराठे वाज लाइक बहुत ज्यादा हैवी थे। आपने रोज लस्सी ली थी, वो रोज लाइक मुझे नहीं पसंद है। मुझे काफी अच्छा लगा, एक तो उसका एम्बियंस ऐसा लग रहा था कि हम गार्डन में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये सबसे बढ़िया था। और वहाँ पे पराठे लिए थे जो मेरे को अच्छे, और आपको बटर कैसा लगा? उन्होंने मुझे पिघलावा बटर दे दिया, वो सारा गिर गया। ड्रिंक्स में मेरा ओपिनियन अलग है क्योंकि मैंने कोल्ड कॉफी ली थी, हालांकि वो सिंपल ड्रिंक है बट लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो मुझे तो मतलब अभी तक का यहाँ का तो सबसे बेस्ट लगा। हमने अब की बार जितनों पे भी मैं गया हूँ मतलब हमने पराठे वगैरह ऑर्डर किए, तो मैं हमेशा गोभी पराठे खाता हूँ, तो मैंने आलू गोभी पराठा ऑर्डर किया, भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी था, जैसे उसके चार पीस की वैसे तो मैं दो पीस खा पाया। मैंने चाय ऑर्डर की थी, चाय तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी वहाँ तो भाई। और वहाँ की वाइब तो मेरे को इतनी ज़्यादा बढ़िया लगी, बस मैं क्या बताऊँ, वहाँ पे हल्की हल्की बारिश होती या फिर थोड़ी सी ठंड होती तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता। और एक और वैसे सजेशन है कि वहाँ पे हल्के फुल्के गाने भी होने चाहिए थे, थोड़ा बहुत बढ़िया लगता उस टाइम। चाय और पराठे के बेस पे जज करूँ तो मेरी तो रेटिंग थोड़ी ज़्यादा है, 4.4 के राउंड में दूंगा उसको। हमने जितने कैफे गए उनमें सबसे बढ़िया बेस्ट था। तो भाई अब हम आए हैं सीक्रेट वाटरफॉल, जो कि काफी ज्यादा सीक्रेट है, हमें मिल ही नहीं रहा। वाह भाई वाह, क्या बात है। लो भैया आ गए सीक्रेट वाटरफॉल पे, वाह भाई वाह, क्या ही कुदरत का नजारा है। वाह भाई, पानी के साथ खेलने में तो अलग ही लेवल मजा आ रहा है यहाँ पे, वाह भाई वाह। तो भाई ये है मतलब सीक्रेट वाटरफॉल का एक काफी भव्य नजारा भाई, एक नंबर। आप यहाँ माहौल देख सकते हो यार, बहुत ही ताजगी भरा हो रहा है। एक ऊपर भी मतलब लोग वहाँ खड़े हैं, वहाँ भी एक छोटा वाटरफॉल टाइप है मतलब। तो भाई नेचर के साथ जुड़े रहना है तो भाई वाटरफॉल में आना ही पड़ेगा। वाह भाई वाह, यहाँ पे चाय कॉफी की भी एक दुकान है, उसे एक बार थोड़ी मैगी लेते हैं एक और चाय। भाई यहाँ इस दुकान से दो मैगी और चाय बोली है। वाटरफॉल की चाय इक्वल टू मजे ही मजे। बनाने में कौन सा पानी यूज हुआ है? और भाई वो भी मिलता है। और चाय बनाने में दूध के लेकर यहाँ से कोई जानवर पकड़ेगा उसका दूध निकाल ले।
तो फोक्स ये थी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक ट्रिप, मतलब वीकेंड ट्रिप भी आप इसको कह सकते हो। तो हमने ऋषिकेश के दर्शन किए भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हमने इस बार मतलब ज़्यादातर कैफ़े वगैरह ही ट्राई किए। वैसे हम सीक्रेट वाटरफॉल गए, दो बार हमने गंगा आरती देखी। तो स्कूटी से हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, तो स्कूटी से ट्रैवल करने का भी एक अलग ही मज़ा आया। ऑल एंड ऑल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रिप थी। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। तो खुद को बेहतर बनाने के लिए सब्सक्राइब करें। इट्स अ रैप।